Dear students, are you all here? Today, in previous class, I teach you about the chapter 10, Our Little River poem. कैसे लगा आप लोग poem? Our Little River, छोटी river, छोटी नदी के बारे में पढ़ाया था. Now here, today the reading comprehension is there, okay? Put the tick against the right and one cross against the wrong one. आपको यहाँ पे सही और गलत का निशान लगाना है. अगर सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का निशान, ठीक है? इधर देखिए, first one है, the river is knee deep in summer. क्या जो नदी है वो गर्मी में घुटने तक रहती है, पानी उसका जो है घुटने तक रहता है, तो इसका आंसर है यस, राइट ना. तो फर्स्ट विल बी पिक द राइट वन, ओके. देन अदर वन, इट इज नॉट इजी टू क्रॉस द रिवर इन समर. एक आप ठंडी में, गर्मी में क्या रिवर क्रॉस कर पाते हो? क्या पूछ रहे हैं आप? गर्मी में क्या रिवर क्रॉस, इट इज नॉट इजी टू क्रॉस द रिवर इन समर बोल रहे हैं ना. तो क्या हम गर्मी में रिवर्स क्रॉस नहीं कर पाते हैं? तो यहाँ पर होगा रॉन्ग, हम कर पाते हैं, है ना. देन थर्ड वन, द रिवर इज स्ट्रेट. क्या नदी सीधे बहती है? रॉन्ग, नदी सीधे नहीं बहती है ना. द रिवर इज डर्टी. क्या रिवर जो नदी जो गंदी रहती है? रॉन्ग. फोर्थ वन also wrong, okay. Then fifth one, children play in the river. क्या बच्चे नदी में खेलते हैं? क्या होगा? बच्चे नदी में नहीं खेलते हैं ना, तो wrong. Then sixth one, the village houses are situated far away from the river. क्या जो विलेज के जो घर होते हैं, जो गांव के घर होते हैं, क्या नदी से दूर रहते हैं? रॉन्ग. देन सेवेंथ वन, द रिवर फिल्स इटसेल्फ अप टू द ब्रिम इन समर. अपने आप से भर जाती है क्या नदी? रॉन्ग. देन एट वन, दे एंजॉय फेस्टिवल इन द रेनी सीजन. सभी लोग रेनी सीजन में एंजॉय करते हैं, है ना. तो ये हो गया आपका राइट, ओके. इट विल बी कंप्लीटेड हियर. टेक द करेक्ट आंसर, ओके. नाउ देन हियर वोकैबुलरी आर देयर, सम राइमिंग वर्ड्स आर देयर हियर. आपको पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला है, गो थ्रू द पोएम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड. आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड निकालना है ना. आपको लेसन में ही आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड मिल जाएगा, जो आपको जैसे कि कविता के कुछ ऐसे, कविता का कुछ मतलब पोएम के कुछ कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिसको डिस्क्राइब किया गया है. जैसे कि देखिए आपके बुक में दिया है, फर्स्ट वन, ट्रीज टेंटर्स, नी डीप, है ना, फ्लोक ऑफ मैना, ठीक है, जैकेट क्रोल, इस टाइप के वर्ड्स हैं. ये आपको डिस्क्राइब करना है, ये इस वर्ड्स को आपको निकालना है, ठीक है. अब सेकेंड वन में क्या है, पिक आउट द Pick up the rhyming words from the poem for the following words and supply one word more for each, है ना. एक वर्ड का आपको rhyming word एक से ज़्यादा निकालना है, ठीक है. तो यहाँ पर दिया है टर्न्स, टर्न्स का ये आपको बुक के अकॉर्डिंग में दिया है ना, जो पोएम है उस पोएम के अकॉर्डिंग में ही ये आपके rhyming words दिए गए हैं, ठीक है. तो मैं कुछ करवा रही हूँ आपको, बाकी बाकी जो है आप अपने से करके दिखाओगे, ठीक है ना. देखिए जैसे टर्न्स का, टर्न्स मतलब क्या हो गया, टर्न्स का बंस, है ना. देन लर्न्स, ये हो गया राइमिंग वर्ड्स, ठीक है ना, जो एक जैसे लगते हैं, ठीक ना. वैसे क्रॉस, क्रॉस का है क्रॉस. देन ग्रास, ठीक है. देन हाई को क्या हो गया, ड्राई, क्राई, ठीक है. उसका क्लीन का ग्रीन, और ठीक है. देन बेड का क्या होगा, स्प्रेड, स्प्रेड और रेड. ये आगे आपको राइमिंग वर्ड समझ में आ रहा है ना, जैसे कि जैसे डांस, बस, लंच, तो ये आपका कैसे हो रहा है, एक
बोलने में, तो उसी को बोलते हैं हम राइमिंग वर्ड्स। ठीक है ना, कुछ की वर्ड्स मैंने आपको करवा दिया, फर्स्ट लाइन आपको कंप्लीट करवाया है, देन सेकेंड एंड थर्ड लाइन यू हैव टू डू इट योर ओके एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। देन अनदर वन इज आपको अपने से करके दिखाना है, ठीक है, सेकेंड थर्ड लाइन। अब यहाँ पे बी वाला है, क्या है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। बी वन क्या है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। आप अपने सेंटेंस में सेंटेंस, ठीक है, आपको अपने सेंटेंसेस में इसको बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब बता दे रही हूँ, ठीक है ना, इन वर्ड्स का आपको मतलब बता दे रही हूँ, आप इसको अपने ओन सेंटेंस में मुझे बना के दिखाएंगे, ठीक है, डू योर ओन वर्ड्स। ओके बेटा, फर्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्न्स। बर्न्स का मतलब क्या होता है, जलना, ठीक है, क्या होता है, जलना। देन सेकेंड वन चैटर, चैटर का मतलब क्या होता है, चैटर मतलब चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना, है ना, जो पक्षियां चहचहाती है ना, जैसे आवाज आती है उनकी, तो पक्षियों की चहचहाहट, ठीक है, चहचहाहट। ठीक है ना, उसके बाद देन ग्लिंट्स, ग्लिंट्स है ना, चमकना, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ वन क्या हो गया, कैच, कैच है पकड़ना, ठीक है, कैच है पकड़ना। देन फिफ्थ वन क्या हुआ, स्क्रब, स्क्रब है रगड़ना। ये सब आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ओके, और इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है, इंग्लिश में बनाएंगे और सभी लोग इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, रिंग्स, सिक्स क्रम क्या हो गया, रिंग्स। रिंग्स यानी क्या होता है, ये रिंग्स यानी आपका अंगूठी भी होता है और रिंग्स यानी जो बेल का रिंग होता है ना, उसको भी हम बोलते हैं, जो रिंग जो घंटी बोलते हैं, जो घंटी बजती है उसको बोलते हैं, और रिंग यानी अंगूठी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेवन पॉइंट, मार, मार के लिए क्या होता है, निशान, निशान है ना, कोई चीज में मार्क लगाते हैं ना हम लोग, राइट मार्क, रॉन्ग मार्क, तो उसको बोलते हैं निशान या फिर मोहर, ठीक है। अंडरस्टूड दिस ऑल ऑफ यू, तो डू इट in your book, and this one you have to use the following words in your own sentence, it will be write down in your notebook only, okay beta, and the vocabulary second one, pick up the writing words, you do in your book, and the reading comprehension, put the tick mark, it is also do in your book. Next video, I complete the other question answers, okay beta. Any problem you ask me, okay? Thank you.